सो गाइस आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो हम गाइस डिस्कस करने वाले महाराष्ट्र नेट पीजी जीएसएमसी मुंबई के एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 जो है 4 के बारे में। तो गाइस यहां पे सबसे ज्यादा जो पूछा गया था कोर्स कोड के बारे में, कोर्स नेम के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में इसके क्लोजिंग रैंक कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक्सपेक्टेड में रहेगा। तो यहाँ पे सारे मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो है, मैं कोर्स कोड का जो है नेम नहीं लूँगा, आप सिंपली इसको दे सकते हैं। अगर कोर्स कोड का नेम लेके अगर बात करूँ तो ये वीडियो जो है कुछ लंबा जा सकता है। तो अगर मैं बात करूँ जो है रेडियोलॉजी के लिए, तो इसका 1 to 10 जाएगा। मेडिसिन के लिए 10 to 20 जाएगा। ENT के लिए 110 to 120 जाएगा। सर्जरी के लिए 120 to 130 जाएगा। पेडियाट्रिक के लिए 130 to 140 जाएगा। ओपकी के लिए 220 to 240 जाएगा। ऑप्थल्मोलॉजी के लिए 250 to 260। ऑर्थोपेडिक्स के लिए 255 से 265 जाएगा। फिर हम बात करेंगे जो है जस्ट एंड टीबी के लिए 450 to 460 जाएगा। फिर आपका डेडी डाइबिट के लिए 810 to 820 जाएगा। एनेस्थेसिया के लिए आपकी बात करें तो आपका 925 to 935 जाएगा। पैथोलॉजी के लिए 1530 to 1630 जाएगा। और फार्माकोलॉजी के लिए 2840 to 2940। PSM के लिए 3100 to 3200 जाएगा। माइक्रोबोलॉजी के लिए 3390 to 3490 जाएगा। और फोरेंसिक मेडिसिन के लिए 4300 to 4100 जाएगा। फिजियोलॉजी के लिए 4200 to 4300 तक इसके जो है क्लोजिंग रैंक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुंबई के लिए जीएसएमसी के लिए जा सकते हैं। और गाइस आप लोगों के पास जो भी डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपका जो है रिप्लाई किया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वाली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।